अब गरीब से गरीब भी गाड़ी लेने का सपना कर सकेगा पूरा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाटा नैनो के नए रूप के बारे में। तो जी हाँ, टाटा मोटर्स जोरों शोरों से टाटा नैनो के नए रूप को जल्द ही लॉन्च करने वाला है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये गाड़ी 2025 तक भारत में देखने को मिलेगी। पुरानी टाटा नैनो और इस टाटा नैनो को देखा जाए तो दोनों गाड़ियों में जमीन और आसमान का फर्क है, क्योंकि कंपनी ने इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। कंपनी की तरफ से बिल्कुल नया अंदाज है इस कार में, और एज अ डेली यूज कार बनाया है, और मिडिल क्लास वालों के हिसाब से इसमें काफी फीचर्स ऐड किए हैं, और कुछ तो इसमें एडवांस फीचर्स भी हैं। आज की इस वीडियो में इसके फीचर्स, प्राइस और स्पेसिफिकेशन सभी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कोई भी अपडेट इस चैनल पर डालूं वो आप तक पहुंच जाए, आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो को पूरा देखो, जरा सा भी आगे पीछे मत करना, वरना आपका नुकसान भी हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ी के फ्रंट लुक की तो टाटा नैनो को रीडिजाइन किया गया है, बिल्कुल पुरानी वाली से कंपेयर करें तो काफी नया लुक दिया गया है। स्पोर्टी LED प्रोजेक्टर, उसके नीचे क्रोम लोगो और काफी बोल्ड लुक ग्रिल दी हुई है। ओवरऑल गाड़ी का लुक काफी मस्कुलर और स्पोर्टी डिजाइन मिल जाता है। रियर में आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स और टाटा नैनो का क्रोम लोगो और नीचे काफी अच्छी डिजाइन वाले रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। बात करें साइड प्रोफाइल की तो ऑटोमेटिक एडजस्टेबल ORVMs, अब आपको ऐसे ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके नीचे आते हैं अलॉय व्हील्स, जो कि 13-14 इंच के अलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि 40% गाड़ी को यही स्पोर्टी बनाती है। इसमें आपको डुअल कलर्स ऑप्शन भी मिल जाता है। भाई इतना मैं कह रहा हूँ, एक बार आ गई ना तो ये भारतीय ग्राहकों को बहुत पसंद आने वाली है। काफी अच्छी रोड प्रेजेंस मिलेगी इस न्यू टाटा नैनो को। बात करें इंटीरियर की तो काफी स्पेसियस गाड़ी है। आने वाली जनरेशन के हिसाब से ही फीचर्स दिए गए हैं, जैसे 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, इसके बीच में इल्यूमिनेट टाटा का लोगो आता है जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। 5-6 सीटर गाड़ी है जिसमें एडजस्टेबल सीट रहेंगी, जो कि प्रीमियम लेदर सीट्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट AC और सेंटर में टाटा का 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, जो कि एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ आ सकता है। बात करें स्पीकर्स की तो सोनी के 5 स्पीकर्स आने की आशंका है। मेन चीज की बात करें जो कि सेफ्टी है, ऑब्वियस सी बात है उस चीज में तो टाटा से आगे कोई नहीं है इंडियन मार्केट में। तो 5 एयरबैग्स दिए गए हैं, और अभी सेफ्टी रेटिंग टेस्ट हुआ नहीं है। 2-2 फ्रंट एंड रियर में पार्किंग सेंसर्स और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, कीलेस एंट्री, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम जैसे एडवांस फीचर देखने को मिलने वाले हैं। न्यू जनरेशन टाटा नैनो में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल सकते हैं, पेट्रोल एंड CNG वेरिएंट और दूसरा इलेक्ट्रिक वेरिएंट, लेकिन ज्यादा चांसेस तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट के ही हैं आने के। तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट की बात करें तो 1-1.5 घंटे में फुल चार्ज हो सकती है और करीब 250-300 किलोमीटर तक की रेंज निकाल सकती है, लेकिन दोनों वेरिएंट इस समय टेस्टिंग में चल रहे हैं। आर्टिकल्स को देखें तो जल्द ही इस गाड़ी को इंडिया में लाया जा सकता है। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ उस बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें, जिससे आपको कोई भी अपडेट इस गाड़ी को लेकर आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।